हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना मिराजदार और आप देख रहे हैं घर का खाना। और घर के खाने में मैंने आज बहुत ही टेस्टी खीरे की सब्जी बनाई है और ये सब्जी सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली है। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आराम से खीरे की सब्जी आप बना के एंजॉय कर सकते हो, रोटी के साथ में या तो चावल के साथ में। और इसे बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट लगने वाला है। तो आइए फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के खीरे यूज किए हैं, आप चाहे तो व्हाइट कलर के भी खीरे यूज कर सकते हो, लेकिन जितना छोटा खीरा हो उतनी सब्जी अच्छी बनती है। सबसे पहले हम इसे काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से। मैंने यहाँ पे सब्जी के लिए 5-6 खीरे लिए हैं और इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने पहले ही काट के रखे हुए हैं। 5-6 खीरे के लिए हमें लगेगा कुछ मसाला ये सब्जी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, टेस्ट के अनुसार नमक, लहसुन की पेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मसाला। ये मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब्जी मसाला है जो कि हम घर में हमेशा बना के रखते हैं। इसे घोड़ा मसाला या ब्लैक मसाला भी कहा जाता है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और करी लीव्स, और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली का पाउडर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, कढ़ाई जैसे गर्म हो चुकी है। इसमें डाल दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें डाल दिया है जीरा, इसके बाद में डाल दिया है मैंने यहाँ पे लहसुन की पेस्ट और करी लीव्स। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। जैसे ही सॉटे हो जाता है हम इसमें डाल देंगे खीरा। हम यहाँ पे ड्राई सब्जी बना रहे हैं, इसमें एक बूंद भी हम पानी डालने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है, 2 टेबल स्पून की जगह पे 3 टेबल स्पून। इसी ऑयल में हमें सब्जी पकानी है। अच्छे से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब डाल देंगे नमक ताकि सब्जी नमक की वजह से जल्दी गल जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसलिए नमक ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे ताकि सब्जी तुरंत गले, अच्छे से पके। 1-2 मिनट के लिए हम इसी में इसे ढक के रख देंगे। इसी का पानी बहुत ही अच्छे से इसमें पानी जम चुका है। खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये मसाला। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ये मसाला लिया है। ये मसाला हर घर में होता है। आपके पास में जो भी सब्जी मसाला है वो आप इसमें आराम से डाल सकते हो। अब करेंगे हम इसे अच्छे से मिक्स, और मिक्स होने के बाद फिर से हम इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हो इसमें बहुत सा पानी जम चुका है खीरे का, तो आराम से इसमें पक जाएगा। अब इसे ढक के हम रख देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट हो चुके हैं, आप चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अभी इसमें कच्चापन बाकी है थोड़ा, तो हम इसी स्टेज में इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली का पाउडर। 1 कटोरी मूंगफली का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स होने के बाद फिर से हमें इसे 1 मिनट के लिए इसे में पकाना है। इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये आराम से पक चुकी है अभी ये सब्जी। हम चेक कर लेते हैं ये पकी है या नहीं। ये आराम से पक चुकी है, तो इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ऐसे भी कर लेते हैं हम इसमें मिक्स।
ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सब्जी आप चावल के साथ में या रोटी के साथ में गर्मा गर्म परोस सकते हो। इसी स्टेज में हम कर देंगे गैस को बंद और ये सब्जी अभी खाने के लिए एकदम रेडी है। तो आइए फिर इसे निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में। ये बहुत ही दिखने में अच्छी दिख रही है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके पास में कोई सब्जी नहीं है, खीरा बचा है, तो आराम से इसे आप बना के एंजॉय कर सकते हो। ये सब्जी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।